आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह, जिसमें यूपी के इटावा में मानसिक विषक्त महिला की चप्पलों से जमकर पिटाई की गई। इस मामले का आरोपी प्रदीप गुप्ता फरार बताया जा रहा है। सीओ सिटी वैभव पांडे ने बताया कि उक्त आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही उक्त आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कानून को ठेंगा दिखाती ये तस्वीर यूपी के इटावा की है, जहां प्रदीप गुप्ता नामक शख्स ने किसी मामूली बात को लेकर एक मानसिक विषक्त महिला व उसके बेटे की चप्पलों से काफी लंबे वक्त तक पिटाई की। इटावा के थाना कोतवाली के अंतर्गत नौरंगाबाद चौकी क्षेत्र में एक मानसिक विषक्त महिला की चप्पलों से पिटाई का ये वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। इस पूरी घटना पर क्षेत्र अधिकारी नगर SN वैभव पांडे द्वारा बताया गया कि घटना बेहद निंदनीय है। पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त कर ली है। आरोपी नौरंगाबाद निवासी प्रदीप गुप्ता है, जो कि घटना के बाद से घर से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। जल्द ही पुलिस उक्त आरोपी की गिरफ्तारी में सफलता हासिल कर लेगी। इटावा से प्रवीण दुबे की रिपोर्ट। ये हर्ष नगर मोहल्ला है, उसका मामला है। कोई पागल महिला है, वो अपने चूंकि पागल है तो पागल तरह तरह की हरकतें करते हैं, वो गाली गलौज भी करती है पता लगा है, और किसी महिला को उसने डंडा मार दिया है। इससे जो महिला जिसको डंडा मारा था उसके परिजनों को कष्ट हुआ, उनको लगा कि गलत किया है और उनको सहनशील होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी गलती कर दी, उस महिला से मारपीट कर दिया। अब उसके लिए तहरीर मंगाई गई है पुलिस की तरफ से ही, और उसमें उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो पागल महिला को मारपीट किया है थोड़ी कार्रवाई हो जाएगी, जो भी बनेगा 151 होगा तो उसको देखेंगे।